चुके हैं अभी, तो नॉर्मल डे से पूरा डिफरेंट रूटीन हो गया है। आराम से इतने दिनों तक तो बहुत आराम आराम से सुबह उठना और लेट उठना ये सब चल रहा था ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन अब सुबह जल्दी भी उठना है। और जैसे ही स्कूल खुला काम का प्रेशर बढ़ा, मेरी काम वाली दीदी ने फिर से मुझे टाटा बोल दिया है। तो अभी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक मोड में है और अभी सुबह के बजे हैं 10 एंड नाउ इट्स माय ब्रेकफास्ट टाइम। सबको ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया है, परी स्कूल गई है, छोटे वाले का आज से क्या बोलते हैं उसका ऑनलाइन ही चल रहा है, उसका शायद से ये सेशन ऑनलाइन ही जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट न्यू सेशन ही विल बी गोइंग टू स्कूल। और सबको उन सबको दे दिया है ब्रेकफास्ट, अब है मेरी ब्रेकफास्ट करने की बारी, तो लेट मी मेक समथिंग फॉर मी। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत सिंपल मेरे लिए बना रही हूँ, इनफैक्ट मैंने सभी के लिए टोस्ट से काम निपटा लिया, तो मेरा खुद का भी मैं टोस्ट बना रही हूँ, टोस्ट विद पीनट बटर, और चाय पी लूँगी तो हो जाएगा। उसके बाद मुझे बनाना है लंच कुक करना है। और किचन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल शिवरात्रि का वो सब मैं बिजी थी तो मैंने किचन को कुछ भी नहीं किया है, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरा किचन पूरा फैला हुआ है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि अभी पहले मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि लंच बनाते वक्त फिर से गंदा होगा तो उसके बाद एक बार मैं साफ करूँगी। लेकिन सबसे पहले पेट पूजा के बिना काम नहीं होगा मेरा। और काम का प्रेशर जिस वक्त ज़्यादा होता है ना उसी वक्त सारे गड़बड़ भी होते हैं, तो अभी काम का प्रेशर ज़्यादा है, उसके साथ साथ मेरा टोस्टर मशीन भी ख़राब हो गया है, तो मुझे किचन में आकर के टोस्ट बनाना पड़ रहा है तवे पर। फटाफट से मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे टाइम मिले तो टोस्टर मशीन को ना मुझे जल्दी से ठीक कराना होगा। So my breakfast is ready, peanut butter with toast or apples. तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद भी काम का पहाड़ लगा हुआ है एकदम से, और फिर उसके बाद 12:30 एग्ज़ाम टाइम है दादाई का, तो उसके लिए मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने अभी प्लान करा है कि फटाफट पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच बना लेती हूँ, उसके बाद नीचे वाले सारे काम करूँगी, सो दैट उस वक्त तक मैं उसके साथ हो पाऊँ एग्ज़ाम के वक्त। उसको मतलब चाहिए होता है, मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है पीछे से मम्मी की। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सुबह से एकदम भी वक्त नहीं मिला आप सभी को विश करने का, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत 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 अच्छे हो, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और बताइए कैसा रहा आप लोगों का सभी का शिवरात्रि?
उम्मीद करती हूँ कि मेरा शिवरात्रि वाला ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी ने कैसे मनाया बताइएगा जरूर कमेंट करके। और अभी फिलहाल के लिए मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग, नहाना वहाना, एवरीथिंग कंप्लीट। मैं वेट कर रही हूँ मिष्टी के लिए, वो स्कूल में गई है तो वो आ जाएगी तो फिर लंच करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा बाहर का प्रोग्राम तो है, अभी पता नहीं, प्रोग्राम तो बनता है फिर बिगड़ता भी है। दोपहर के 3:30 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं और मिष्टी आ गई है तो अभी है लंच टाइम और लंच का वेट करते करते बहुत ज़्यादा भूख लग गया है तो आज लंच में क्या बना है वो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है आज का टिपिकल बंगाली लंच, ये भात, ये प्याज कोली भाजा, दाल और ये आलू फूल गोभी का सब्जी, पापड़ और अचार। और अभी हम खाएंगे खाना बैठ करके आराम से सबके साथ, मतलब बच्चों के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले दोपहर को कि मुझे थोड़ा सा बाहर का काम है, उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा। तो अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा घर का शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रही हूँ और घर का तो सामान लेना ही लेना है और उसके साथ थोड़ी बहुत इधर उधर की फालतू घूमम घूमी और थोड़ा यहाँ वहाँ का शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। तो देखते हैं कहाँ तक कितना होता है, निकल तो पड़े हैं अभी रास्ते में, तो चलिए सीधा चल के आपसे मार्केट में मिलते हैं। और आज मैं एकदम से कोलकाता का फेमस न्यू मार्केट एरिया में जा रही हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। मतलब क्या नहीं मिलता है यहाँ पर, क्या नहीं मिलता है, एवरीथिंग यू नेम इट एंड दे हैव इट टाइप का मार्केट है। और चलो मेट्रो आ गया है तो अब चलते हैं सीधा, चल के अब आपसे सीधा एकदम मार्केट में मिलते हैं। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहां से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना पसार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना पसार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो जी शॉपिंग वगैरह कर करके मैं आ चुकी हूँ और रात के 9 बज चुके, इतना लेट हो गया है। रास्ते में थोड़ा सा जैम वगैरह भी था और शॉप वगैरह भी काफ़ी रश था, पता नहीं किस चीज़ का रश है लेकिन रश तो था। और शॉपिंग हो गया है बहुत अच्छे से, अगर मुझे वक्त
टाइम मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या खरीद करके लाई हूँ आज, और नहीं मिला तो फिर कभी और दिखा दूंगी, क्योंकि शेयर करती हूँ ना मैं आप लोगों के साथ सब कुछ, तो शॉपिंग भी शेयर करूंगी। अभी फटाफट चेंज करती हूँ और डिनर भी बनाना है, तो लेट भी हो रहा है बहुत। चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है दूसरा दिन, और कल मैं रात को इतना लेट हो गई थी ना, डिनर वगैरह बनाया तो उसके बाद डिनर वगैरह करते करते, और कल रात को ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आज ये वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, आप सभी को बाय बोलने के लिए मैं फिर से सुबह सुबह आई हूँ ताकि मैं बाय बोल सकूँ। तो एनीवेज वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपसे मैं एक फ्रेश ब्लॉग में फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।